श्री कालिकै शुभदेवी सूर्यकूट निवासिनी रक्षो मार्तमहामाय विश्वरूपे नमस्तुते। अब एक बात बताओ, आपने नफरत को देखा है, आपने क्रोध को देखा है, आपने प्रेम को देखा है, आपने ज्ञान को देखा है, लेकिन महसूस तो किया है ना? आपने नफरत के व्यवहार को तो देखा है, प्रकटीकरण को तो देखा है, प्रेम की अभिव्यक्ति को तो देखा है, ईर्ष्या द्वेष की अभिव्यक्ति को तो देखा है। ठीक उसी तरीके से माँ कौन है? ऊर्जा है। ऊर्जा, ऊर्जा को कैसे देख सकते? भाव जगत में दिखेगा। जैसे जैसे सपने में, सपने में नॉन फिजिकल बॉडी भी तो दिखती है ना आपको, बस उसी तरीके से भाव जगत में चीजें दिखती हैं, दिखने लगती हैं। देखो अब उसमें क्या होता है कि भाव जगत में तो हम कोई भी कल्पना कर सकते हैं, लेकिन भाव जगत में कल्पना कर लेने मात्र से भौतिक जगत में परिवर्तन नहीं होगा ना। अगर मान लो कि मैंने कोई कल्पना कर ली, किसी चीज की कल्पना, किसी देवी देवता की कल्पना कर ली और मैंने कहा कि वो है, लेकिन मान लो कि कल्पना में हमने कह दिया कि उन्होंने मुझे ये कहा है और भौतिक जगत में जो उन्होंने कहा उसके अनुसार से कोई परिवर्तन दिख ही नहीं रहा, तो फिर यहाँ पे दोनों बातें आपस में एक दूसरे के साथ मिलती नहीं है ना। तो यहाँ क्या है, आपने जैसे देखो भाव जगत के अनुसार से ही आपने मंत्र जाप शुरू किया ना, लेकिन भौतिक जगत में परिवर्तन दिख रहा है ना आपको, यानी भाव से निराकार से साकार में आ गए ना आप। जैसे एक बार की बात है कि जब भगवान बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ टहलते हुए जब गंगा जी के किनारे पहुंचते हैं, तो गंगा नदी के तट पर खड़े होकर उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द यहाँ बहुत बड़ा शहर बसने वाला है और वो राजधानी होगी, एक राजधानी बसेगी यहाँ पर, ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा था। जिस समय की वो बिल्कुल वीरानी जमीन थी, वो मतलब गंगा जी का तट है, गंगा जी का किनारा और बिल्कुल दूर दूर तक कहीं कोई आबादी नहीं, लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा और उनके बाद कुछ समय के बाद उसी जगह पर पाटलिपुत्रा को बसाया गया, जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक जैसे मौर्य वंश की स्थापना हुई और वो राजधानी बनी वो जगह। तो उन्होंने निराकार में कहा ऐसा होगा और साकार सच में शहर बस गया, राजधानी बन गई, क्योंकि भगवान बुद्ध के जाने के 100 ईयर्स के बाद सम्राट अशोक थे, तो निराकार से साकार प्रकट हो गया ना। तो उसी तरीके से निराकार से साकार होता है। तो अब साकार को देखकर जैसे भगवान बुद्ध की उस बातों को कोई सुनता, जैसे आनंद ने ही सुना, तो आनंद के मन में डाउट हो सकता है, पता नहीं आप तो देखकर कह रहे हो मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, लेकिन आपने कहा, तो डाउट पैदा हो जाएगा। लेकिन अगर वही आनंद जब बाद में देखेंगे कि भाई एक पाटलिपुत्र नाम का शहर बसाया गया है, एक राजधानी बन गई है, तब क्या भगवान बुद्ध के वो पहले की बातों में जो असमंजस या डाउट वाली कंडीशन थी, वो क्या बाद में कंडीशन बनी रहेगी? वो डाउट शंका खत्म होकर फिर वो कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा कि नहीं बिल्कुल आपने सही कहा था। तो निराकार कंफ्यूजन पैदा कर सकता है, लेकिन साकार को देखकर तो मन में कॉन्फिडेंस तो आ ही जाएगा ना। तो यही चीज होती है कि आप किसी भी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हो तो बहुत हद तक निराकार या भाव जगत में शुरू करते हो, जिसको लेकर आप किसी को अगर समझाने की कोशिश करोगे तो वो नहीं समझ पाएंगे और आप समझा भी नहीं पाओगे, कॉन्फिडेंस में बंदा कोई सुनकर नहीं आ सकता। लेकिन जब आप कहोगे और लंबे समय तक अभ्यास करोगे और आपने जो कहा उसके अनुसार से परिवर्तन दिखने लगेगा समय के साथ, तब फिर धीरे धीरे लोगों के मन में आपकी बातों के प्रति आस्था जमने लगेगी, ऑटोमेटिक होता है ये। तो ये साकार से निराकार, निराकार से साकार, ये यात्रा हमेशा चलते रहती है। तो बस यही है कि थोड़ा वेट करना होता है, चीजें सब दिखने लगती हैं धीरे धीरे, लेकिन शुरुआत में ही निराकार की बात सोचकर डाउट नहीं करना चाहिए। जस्ट वेट, वेट एंड वॉच, कुछ समय के बाद यू विल फील द डिफरेंस।